साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम इस समय उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में हैं और अल सुबह हम लोगों को सूचना मिली थी कि गांव भाटला में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में स्थित बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जो प्रतिमा है उनकी प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों ने एक बार फिर से खंडित कर दिया है। इससे पहले भी 17 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो खंडित कर दी गई थी और उस बारे में गांव के जो हमारे भाटला दलित संघर्ष समिति के प्रमुख सदस्य थे अजय भाटला, जय भगवान सोडी, अमिताभ दैया, सुनील दैया, विकास भाटला, राजेश कुमार, राजकुमार भाटला और भी हमारे कई साथी थे, उन्होंने एक रिटर्न FIR उस टाइम 17 सितंबर 2022 को शिकायत दी थी पुलिस को लिखित में, जिस पर फॉर्मल FIR दर्ज हुई थी। दफा 295 में SC ST एक्ट में FIR दर्ज हुई थी और आप देखिए उस FIR को दर्ज हुए 9 महीने हो चुके हैं, उस FIR पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी पुलिस की लापरवाही का, जानबूझकर की गई लापरवाही का नतीजा ये निकला कि जिन्होंने पहली बार प्रतिमा तोड़ी थी उनके हौसले बुलंद हुए कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, क्या गांव के SC समाज के लोगों ने बिगाड़ लिया, क्या हमारा पुलिस ने बिगाड़ लिया। और अब दोबारा फिर एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत बाबा साहब की जो प्रतिमा उसको खंडित कर दिया और ये जो प्रतिमा जो अब जिस प्रतिमा को खंडित किया है, इस प्रतिमा को अभी हाल में ही बाबा साहब की जो जयंती थी 14 अप्रैल 2023 को बड़े धूमधाम के साथ कार्यक्रम किया गया था। हांसी के विधायक विनोद भ्याणा को बुलाया गया था, विनोद भ्याणा और हमने मिलकर पूरे ग्रामीणों के साथ मिलकर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नई प्रतिमा लेकर आई गई थी जिसकी कीमत करीबन कितनी कीमत थी इसकी, 1,22,000 रुपये की नई प्रतिमा लाके स्थापित की कराई गई थी। प्रशासन की मौजूदगी में विधायक ने और हमने सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब सुबह सूचना मिली कि बाबा साहब की प्रतिमा का एक हाथ पूरा तोड़ दिया है और प्रतिमा तोड़ने वाले लोग जो हैं उसको साथ ले गए हैं और इसकी, क्योंकि हम बाहर हैं, हमने हमारे जो साथी हैं वहाँ पर गांव में सुनील है, जय भगवान है, राजेश है, गुलाब सिंह है, अमिताभ है, इन सबसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारे को विस्तार से सारी घटना बताई है और सभी साथियों ने मिलकर पुलिस को कंप्लेंट दी है और सदर थाना हांसी में एक फॉर्मल FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन केवल FIR दर्ज होने से बात नहीं बनती है, इस पर FIR पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो साथियों, रिपीटेडली सेकंड टाइम FIR दर्ज हुई है, रिपीटेडली सेकंड टाइम बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया है और इस मामले में मैं थोड़ा सा और आपको डीप में ले जाना चाहूँगा। भाटला जो है बड़ा एक नोटोरियस बदनाम गाँव है SC समाज के सोशल बाइकॉट के लिए और SC समाज के सोशल बाइकॉट के लिए जो मुकदमेबाजी है वो हांसी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन पेंडिंग्स हैं। डजन्स ऑफ केसेस जो हैं वो इस मामले में अभी विचाराधीन है भिन्न भिन्न अदालतों में और जो सोशल बॉयकॉट के मामले में थे उस मामले में हांसी की पुलिस ने जानबूझकर SC समाज के लोगों के केसों को नुकसान पहुंचाने के लिए और जातिवादी गुंडे जो जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया था उनको फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस ने जांच की थी और उनकी करतूत की हमने पोल भी खोली थी और ये सारा का सारा मामला अदालतों के संज्ञान में भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ लगाई, हाई कोर्ट ने भी हांसी पुलिस को लताड़ लगाई, सेशन जज ने भी इनको लताड़ लगाई। इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी उन दिनों में कि इन्होंने हिसार के तत्कालीन सेशन जज के नाम का इस्तेमाल करके SC समाज के लोगों की सामाजिक बहिष्कार की कंप्लेंट्स को खारिज कर दिया और ये लिख दिया उसमें कि सेशन जज ने हमको मना किया है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो जिन पुलिस वालों की, जिन जातिवादी गुंडों ने खाकी वर्दी पहन रखी है और उन्हीं खाकी वर्दी वाले जातिवादी गुंडे जब SC समाज के केसों की जांच करेंगे तो आप क्या उम्मीद लगाते हो कि वो क्या हमारे न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसी तरह जो बाबा साहब की प्रतिमा पिछली बार तोड़ी थी उन्हीं जातिवादी गुंडों ने जिन्होंने
खाकी वर्दी पहन रखी है, उन्होंने ही जांच की और अब भी वही खाकी वर्दी वाले गुंडे जांच कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, और पिछली बार हमने पुलिस के आश्वासन पर कुछ नहीं किया था, लेकिन इस मामले में हम इस मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस झांसी की जो पुलिस है, इसकी जातिवादी मानसिकता, जातिवादी गुंडे जो एसपी डीएसपी एसएचओ चौकी इंचार्ज के रूप में जातिवादी गुंडे जो बैठ बिठा सरकार ने हासिल,